शिष्यमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से जुड़े ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने गौ माता को राजमाता घोषित करने की मांग की है। ओमकारेश्वर से दंडवत यात्रा शुरू करते हुए नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे आशुतोष महाराज ने इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए इस मांग पत्र में लिखा है कि देश के चारों शंकराचार्य ने भी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया है। आशुतोष महाराज का कहना है कि न केवल गाय को राजमाता घोषित किया जाए बल्कि नंदी महाराज को भी राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। आशुतोष कर्मचारी, मैं राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से, संत महामंडल से नेशनल प्रेसिडेंट, मैं आपको बतलाता चलूं, मुझे प्रेरणा हुई, माँ नर्मदा जी ने मुझे दर्शन दिया कि मैं नर्मदा परिक्रमा में निकलूं। तो मैं नर्मदा परिक्रमा में जैसे ही निकला तो उस समय जो संकल्प था मेरा गौरक्षा और मम दीक्षा, तो उसके लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, पूज्य शंकराचार्यों, चारों मठों के शंकराचार्यों द्वारा जो आंदोलन चल रहा है गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का, तो उसी में मैंने जब तक नंदी भगवान को राष्ट्रपिता के पद पर न सुशोभित किया जाए तब तक ये आंदोलन अधूरा है। तो मैंने इस दंडवत परिक्रमा यात्रा में, नर्मदा यात्रा में, दंडवत परिक्रमा यात्रा में ये मांग रख दी, गौ माता को राष्ट्र माता और नंदी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए।